इच्छा बड़ी शुभ है परंतु पूर्ण नहीं हो रही, संकल्प बहुत बेस्ट है परंतु पूर्ण नहीं हो रहा, तो उसकी भी क्या हो जाती है? टेंशन हो जाती है। तो आज जितने भी बोझ हैं आपके मन पर, इस भट्टी की शुरुआत से पूरे विश्वास के साथ, पूरी भावना के साथ ऊपर वाले को सौंप दो। सौंप के देखिए, सौंप को देखिए कैसा फील होता है, लेकिन विश्वास के साथ सौंप दीजिए, क्योंकि उसने वादा किया है हमसे। आप बताइए, आप नॉर्मल व्यक्ति हैं या महान है? ठीक है ना, महान है, लेकिन इस लोक के हैं जो भी कलयुग से गुजर रहा है। 60% लोग भारत में अभी भी ऐसे होंगे जो अपनी जुबान की लाज रख रहे होंगे। भगवान ने हमें जुबान दी है, वचन दिया है, डंके की चोट पर दिया है, कान में नहीं दिया। पर्सनली किसी के कान में नहीं बोला है, वो जो भी कहता है डंके की चोट पर कहता है, और बोलता है ढोल बजा बजा के बताओ सबको, अपना भी भला करो और दूसरों का भी भला करो। अब उसने क्या वचन दिया? जब कोई मुश्किल आन पड़े, जब ऐसा लगे कि मेरी सामर्थ्य फेल हो रही है, मेरी शक्ति जवाब दे रही है, ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बात में हम भगवान को परेशान करें। बच्चा 5 साल का है, कॉकरोच से डरता है तो बनता है, चलता है, लेकिन बच्चा यदि 25 साल का होकर के कॉकरोच से डर के मां की गोद में घुसे डर के, तो मां को भी लज्जा आएगी, आएगी कि नहीं? अब छोटी छोटी सी बातों को लेके हम भगवान को परेशान करें। भगवान के बच्चे कुछ तो ताकतवर होंगे, छोटी छोटी समस्याओं को तो निपटारा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? परंतु यदि कुछ बात ऐसी आन पड़े, जब मेरी सामर्थ्य जवाब दे जाए, जब शक्तियां फेल हो जाए, तब तो चिंता मत करना, बाजू में देखना मैं बैठा हूं। उस समय दिल से कह देना, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मेरी मदद करो। फिर बाबा ने बोला, देखिए उसका वादा क्या है, मेरे बच्चे बुलाए और मैं ना आऊं ये हो नहीं सकता। बाबा बधा है अपने बच्चों की मदद करने के लिए, 100% अपना वचन निभाएगा। 100% बोल सकते निभाएगा, परंतु दो कंडीशन रखती है प्रॉमिस में। जो इन दो कंडीशन को फॉलो करेगा, वो भगवान की मदद के चमत्कार देखेगा जीवन में, चमत्कार जिसे कहते हैं भगवान के चमत्कार। लेकिन दो कंडीशन क्या है? मैं प्रॉमिस तो कर रही हूं, लेकिन मेरी कुछ कंडीशन है, मेरी कुछ शर्त है। देखो भाई, मैं वादा तो निभाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। अब भगवान जी ने वचन तो दिया, वादा तो किया, परंतु दो शर्तें, दो कंडीशन। पहली कंडीशन क्या रखी बाबा ने? जब बाबा को बोलो तो कहां से बोलो? दिल से। ये पहली कंडीशन है भगवान की, दिल से जुड़ी है उससे। जो मैंने अभी बताया ना कि हम केवल उसे दिमाग से यूज करते हैं, और भावना प्रेम केवल दिल में पैदा होती है, दिमाग में केवल स्वार्थ पैदा होता है। इसलिए स्वार्थ ही नहीं, काम पड़ा तो भगवान याद आया, और काम निकल गए तो हम तुम्हें जानते नहीं। जब भी याद किया तो मतलब से किया, जब भी प्रसाद चढ़ाया तो मतलब से, जब भी मंदिर गए तो मतलब से। अब कोई मुझे दिन में 10 बार मतलब से बोले, मतलब से याद करे, मतलब से प्यार करे, कितना यूज होंगे हम? आखिर तो एक दिन समझ में आ जाएगा ना, बड़ा सेल्फिश है, मतलब ही है ये बंदा, भगवान को नहीं समझ में आता होगा। दिमाग से इंफॉर्मेशन लेना ठीक है कि वो
रिलेशन केवल दिल से। हम रिलेशन दिमाग से नहीं बना सकते, और यदि हम दिमाग से रिलेशन बनाना भी चाहेंगे तो वो लंबा समय नहीं चलेंगे। दिल से रिलेशन लॉन्ग टाइम चलते हैं। तो भगवान की पहली कंडीशन है दिल से जुड़ो, सच्चे दिल पर। और अगर साहिर राजी हो जाए तो फिर वो कहावत है कि जब वो देता है तो छप्पर पार भी देता है। अब राजी करना वो मेरे हाथ में है, टेक्निक बता दी है, सच्चा उसके मामले में दिमाग को यूज नहीं करना। बड़ी हैरानी की बात है, जन्म जन्म जिसके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर जिसके मंदिर में जाकर मैंने कहा भगवान थोड़ी सद्बुद्धि दे दो, थोड़ा सद्विवेक दे दो, थोड़ी थोड़ी सद्बुद्धि, थोड़ा थोड़ा सद्विवेक उससे लेकर के आज उसे भी बुद्धू बनाने चले हम। बड़ी भारी विडंबना, इसलिए ना तो भक्ति में शक्ति और योग में मन इसलिए नहीं लगता। दिल का रिश्ता नहीं है, दिल की खींच नहीं है, जो दिल से दिल तक मिले जाके वहां अभी तक नहीं पहुंचे। तो एक तो दिल से कहना और दूसरा क्या कहना, दिल से क्या कहना, बनाया मेरा, ये मेरा शब्द क्यों बोला, अंडरलाइन, दिल से कहना मेरा, अंडरलाइन किया बाबा ने इसको मेरा। आपको पता है इमीडिएटली जो मदद मिलती है ना वो मेरो को मिलती है, परायों को नहीं। अभी बच्चा घर में सो रहा है, आप नेक्स्ट रूम में सो रहे हो और आपको बच्चा रोने लगे, चिल्लाने लगे, आपको पुकारने लगे, डर जाए, भयंकर सर्दी, हीटर लगाया है, रजाई ओढ़े सो रहे हैं, लेकिन बच्चे की पुकार सुनी, रोना सुना, तो क्या करेंगे आप? एक तरफ रजाई फेंकेंगे और जितनी तेज कदमों से दौड़ सकते हो उतनी तेज कदमों से दौड़कर देखेंगे मेरे बच्चे को, राइट राइट। और यदि पड़ोसी का बच्चा हो रहा हो वो रजाई तान के मदद किसको मिली, मेरे को या पढ़ाई को? इसीलिए बाबा ने कहा मेरापन बढ़ाओ मुझसे, मेरे को इमीडिएटली तत्काल मदद मिलती है। मेरापन रखो, मेरापन बढ़ाते चलो। केवल एक ब्राह्मण परिवार में रीति रसम है, रिवाज है मेरा कहने का, मेरा बाबा ये भी कहती वो भी कहती सब कहते से मैंने रिया शुरू कर दिया, वो मेरा नहीं, मुख से मेरा कहने तक नहीं, बल्कि दिल से वो मेरा हो। क्या मैंने बाबा को मेरा बनाया है? क्या वो मेरों की लिस्ट में शामिल हुआ या नहीं? क्या कहते हो, हाँ या ना? मुख से या दिल से? सच्ची ईमानदारी से देख लो, हाथ रखो शरीर में दिल पे, जरा एक बार आप बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। बहुत ही ईमानदारी से अपने आप से पूछेंगे, जो मेरा मेरों के साथ प्रेम है, रिश्ता है, फर्ज है, क्या वही प्रेम फर्ज रिश्ता ऊपर वाले के साथ भी है? जवाब सुना अंदर से, बहुत ईमानदारी से सुना। और क्या आवाज आएगी मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सुन ली आवाज, कुछ गड़बड़ है या सब ठीक ठाक है जी? कहीं तो कुछ है थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत है कि नहीं माता जी? तो इसे क्या करना है मेरे में, एक माता जी कह रही थी नहीं बाबा तो मेरा है, नहीं मेरा है, सच में मेरा है। मैंने कहा माता जी कब से ज्ञान में गई? 15 साल से। अच्छा कौन कौन आते हैं घर से ज्ञान में है? हाँ मेरा पति भी आता है, बहू भी आता है, बेटा भी आता है। अच्छा फैमिली में कौन कौन है? तो सब गिना दिए, धोते पोते
अब वो एक फोन नहीं था उसकी लिस्ट में, दिल की बात छुपा कर आगे बाकी सब है, मेरा बाबा नहीं है बस। नहीं नहीं मेरे घर में तो फोटो है, क्या खूटी पे लटकाने के लिए? स्थान तो दिया पर खूटी तक है या दिल तक है, ये मुझे देखना है। दिल तक आज से कोई भी आपसे पूछे, लोकी गलोकी कोई भी हो, आपके घर में कौन कौन है, तो सबसे पहले कौन होना चाहिए? सबसे पहले कौन? और फिर बाबा की ये फैमिली। आप कहीं से लाए थे परिवार? आपके साथ आया था जब आप इस सृष्टि पर जन्मे थे, आपके साथ परिवार आया था क्या? जब जाओगे तब कोई जाएगा साथ में? किसने दिया आपको परिवार? तो उसका जो उसका है उसका बताने में संकोच कैसा? मैं भी उसी, मेरा परिवार भी उसका। मेरा कौन है? बाबा। आज से मेरे घर का हेड कौन होगा और सारी हैडर किसकी होगी? क्योंकि जो बड़े होते हैं ना वही हैडर लेता है, सजल कोई लेता है। जो छोटे होते हैं ना बच्चे होते हैं वो तो मस्त मोला घूमते हैं खेलते हैं, इसीलिए बच्चे बने रहो तो बच्चे रहोगे। हेड उसी को बनने दो, सिरदर्दी बना दो से अपने घर का है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दो उसको, हम निमित्त मात्र हैं बस। हेड बन जाओ ये नहीं, हेड उसे बना दो, ठीक है ना? तो हमारे घर का हेड बाबा, आज से हमारे घर का एक मेंबर। अगर पांच है तो कितने भूलेंगे तो नहीं? एक माता ने ऐसे ही कहा कि बाबा को तो बच्चा बना लिया मैंने अपना, बहन जी बस मेरे तो दो बच्चे थी, इसका मेरा बाबा सबसे बड़ा बेटा। मैंने कहा अच्छा, बहुत अनन्य बच्ची, निश्चय बुद्धि, बड़ी सेवाधारी। वहां जाना हुआ सूरज भाई का, हम लोग गए, बहन जी ने फोन किया, माता को जानते थे, बुलाओ भाई माता को। बहन जी ने फोन किया, आ जाओ, बहुत सेवा भी है, थोड़ा सेवा में हाथ भी बटा देना, प्लस क्लासेस भी सुन लेना। बहन जी ने कहा कि जल्दी से आ जाऊंगी, लेकिन उधर से वो माता कहती है मुझे तो बुखार है 102, वैसे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, चक्कर आ रही है मुझे, सर घूम रहा है, हैरत हो रही है, सर फट रहा है मेरा, कैसे आऊं? चाहती तो थी पर नहीं आ सकती। बहन जी ने फिर भी कहा तुम्हें दवाई ले लो, कुछ खा पी के, ये इसकी तुलसी की चाय पी के, कुछ ये लेके आ जाओ, और हिम्मत करके आ जाओ। नहीं आ सकती, और वो झूठने को भी थी बेचारी, उसको सच में बुखार था, रियली 102 बुखार था। थोड़ी ही देर में उसके दो बच्चे स्कूल से आते हैं, छोटे छोटे, घर में माता के लिए बच्चे बस्ता फेंकते और रोते हैं, हमें खाने को दो, कुछ हम भूखे हैं, हम ब्रेकफास्ट करके भी नहीं गए थे, अभी तो कुछ खाने को दो। माता को बुखार है 102, क्या करेगी माता? बहुत सारी माताएं बैठी है ना यहाँ, 102 बुखार, बच्चे भूखे हैं, रो रही हैं, खाना मांग रही हैं। कौन सी माता है जो ये पड़ोसी बुखार लग जाती है? कोई क्या करेगी? क्यों तो बुखार है ना, हैडक है, सर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, कैसे बनाऊंगी आप, कैसे बनाऊंगी? उठ गई ना, ब्रेड बटर, मैगी, नूडल्स, पुलाव, खिचड़ी, पोहा, जो इजी से इजी बन सकता है बना के देंगे कि नहीं? भले आपको पैरासिटामोल खानी पड़े, सर पे बाम लगाना पड़े, पट्टी बांधनी पड़े सर पे, पर मैं
उतना भी पसंद नहीं किया। भगवान हमेशा प्रीत की रीत निभाता है। भगवान का वादा है केवल एक कदम तू मेरे लिए उठा ले बस। काश वो वादा एक कदम भगवान के लिए उठा देती, हाँ बोल देती। बिना दवाई उसका बुखार को सुप्रीम सर्जन यदि ठीक ना कर देता फिर कहना था, लेकिन हमारा हिम्मत का एक कदम उठता नहीं, इसीलिए हजार मदद की कर्मों से हम वंचित रहते हैं। एक बार हिम्मत का एक कदम उठा के तो देखो, तभी तो तुम्हें उसके चमत्कार समझ में आएंगे। क्या करता है वो, कैसे कुर्बान जाता है वो, लेकिन वो एक ही कदम हमसे नहीं उठता। और वैसे भी आज मैं आपको बता दूं अद्भुत सत्य, आप इस पेन पेपर पे लिखवा के ले लो मेरे से, मैं आज डंके की चोट पे बताती हूं एक सत्य आपको। अगर पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में कोई मेरा है जिसे मैं मेरा कह सकती हूं स्टैंप पेपर पे लिख के, वो केवल ऊपर वाला है। बाकी सब भ्रम है जिन्हें मैं मेरे कह रही हूं ना, मेरे मेरा मेरा मेरा, ये भ्रम है। इनसे बड़े प्यारे प्यारे हिसाब किताब है मेरे, कोई लेने आया है और कोई जिस दिन ये लेन देन पूरा हो जाएगा उस दिन तेरा रास्ता इधर और मेरा रास्ता इधर, सब मेरे धरे के धरे रह जाएंगे। मेरे तब तक ये जब तक ये शरीर है, जिस दिन ये शरीर खत्म उस दिन कोई दरवाजे तक कोई शमशान तक, उसके आगे कोई नहीं। एक शमशान घाट पे लिखा था, मेरे चार भाइयों तुम मुझे यहां छोड़ने आए, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। मैं सोच रही थी इसके नीचे अगर एक लाइन हो लिखी होती तो कि आगे भी चलो मेरे साथ तो शायद कोई अपनों को शमशान घाट भी नहीं ले जाता। अगर आगे जाने की भी कंडीशन होती कि जो चार मुझे यहां छोड़ने आए हैं, कंडीशन ये है कि वो आगे भी क्या हो मेरे साथ चले, तो कोई शमशान छोड़ने नहीं जाता। ये काम भी शायद सरकार को करना पड़ता है, डेड बॉडी को जैसे उठाना पड़ता है, वो तो शुक्र है वो लाइन नहीं लिखी थी। अच्छा, जिसे शमशान घाट छोड़कर आए हैं, घर आने के बाद यदि वो चलता फिरता दिखाई दे जाए तो घर से बाहर मिलेंगे हम सब। जिसे छोड़कर आए थे वो चलता फिरता घर में दिख जाए, ये है मेरे, इन्हें मैं मिला रही थी, राइट? ठीक है कि नहीं? लेकिन जब सब साथ छोड़ देते हैं शमशान घाट तक, लेकिन शमशान घाट से भी आगे की यात्रा में जो मेरे साथ होता है वो कौन होता है? केवल ऊपर वाला होता है। अब ऐसे भी देखिए कलयुग में आप किससे मेरा कह रहे हो, सबको पता है कौन मेरे हैं, कैसे मेरे हैं। पीछे हम इंदौर गए, आरती ले चुके हैं, काफी लोग आए हुए थे, तो एक 75 साल की माता भाई जी के सामने रो रही थी। भाई जी को सेशन के लिए जाना था, तुम मेरे को बोल के गए इसको थोड़ा साथ माना, तो क्यों रो रही है पता नहीं, जब से आई तब से रोई जा रही है। मैंने देखा माता जी के पास जाके तो उनको चोटें लगी हुई थी, नीला लाल कैसे सूजा हुआ था ऐसे। मैंने सोचा थोड़ी बरसात हो रही है तो गिर गई होगी माता जी। मैंने माता जी को बोला आप किसी डॉक्टर को दिखाइए, कहती नहीं मेरे को ऐसी चोट मिली है जिसका इलाज किसी के पास नहीं। माता जी ने सुनाया कि मैं ऐसी कहानी आपको सुनाऊंगी कि आप भी सोचोगे कि मेरे ऊपर बीती है। जो क्या बीती, मेरा 4 साल का बच्चा, उसका बाप गुजर गया, मैं विधवा, अकेली मेहनत मजदूरी करके मैंने अपने बच्चे को पाला, स्वाभिमान से अकेले शादी नहीं की दूसरी, बड़ा प्रेशर था घरवालों का, इसलिए घरवालों का कोई सपोर्ट भी नहीं मिला मुझे।
पढ़ाया लिखाया स्वाभिमान के साथ ईमानदारी के साथ उसको एक बिजनेस भी बना के दिया अच्छा सा बेटे ने लव मैरिज कर ली। बहू कैसी आई फ्रीडम फाइटर। शादी के बाद बच्चे की दोनों किडनी फेल हो गई। लास्ट मोमेंट पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया या तो ट्रांसफर कर दीजिए या तो गया। माता ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, अपना एक गुर्दा हंसते हंसते निकाल के अपने बच्चे को दे दिया। एक से तुम जीलो, एक से मेरा जीवन चलेगा। लेकिन वो जो बहू थी वो माताजी को इतना अपमानित करती थी, इतने कड़वे शब्द बोलती थी जो उसने पूरे जीवन कभी नहीं सुने, फिर भी चुप रहती थी, बोलती नहीं थी कुछ। ये माताजी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई थी, खान पान की शुद्धि रखती थी। वो बहू माता को टॉर्चर करने के लिए कभी तो प्याज उसमें मिला देती खाने में, कभी लहसुन लाके। एक दिन तो हद हो गई, वो मुर्गा ले बना हुआ मांस नॉनवेज और उसकी दाल में मिला दिया ला करके। उस दिन माता जी की धैर्यता की सीमा खत्म हो गई। माता जी ने कहा कि मैं अपना चूल्हा अलग रखती हूँ, तुम्हारी रसोई अलग रहेगी, मेरे रूम में छोटा सा चूल्हा रख देती हूँ, तुम तुम्हारा खाना अलग बनाओ मैं अलग बनाऊंगी। अब बहू को यह भी गवारा नहीं, आज तक माता जी खाना बनाती थी, माता जी सोचती थी चलो मुझे अपना बनाना है, दो बच्चे इनका भी मैं बना लूंगी, कौन सी बड़ी बात है। पर बहू को ये बात भी गवारा नहीं, लेट नाइट सोती है, देर से उठती है, पूरी रात टीवी देखती है, अब सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट का डब्बा बना के देना पड़ेगा, काम सारा करना पड़ेगा, ये भी उसको खलबली मच गई दिमाग में। जैसे ही उसका हस्बैंड आता है, माता का बेटा, उसका इतना दिमाग खराब करती, क्या क्या बोलती है, उलट पुलट सीधा गलत जो भी उसको आया वो इतना भर दिया उसका दिमाग कि उस कली की औलाद ने जो कि आप सोच नहीं सकते। वो कमरे में गया, माता के बालों को पकड़ा कसके और दरवाजे में सर मारा उसे। इतना ही नहीं किया, उसका कपड़ा पकड़ के घसीटता हुआ लाया और मेन रोड के सड़क पे फेंक गया बाहर, लात मार के निकल मेरे घर से। अब ये भूल गया कि घर तुझे बना के किसने दिया। ये है कलयुगी संतान मेरे जिन्हें मैं मीना कहती हूं। दुबई में गए पीछे भाई ने रोज सुना कि हम सागर पे गए, छुट्टी का दिन था, बच्चे वगैरह सब पिकनिक कर रहे थे, बच्चे डूबने लगे सागर में, तेज लहरें आ गई अचानक, ये बचाने गया, बच्चे को तो बचा लिया लेकिन खुद डूबने लगा, लहरें बहुत ही जल्दी उसको पीछे तक ले गई खींचे। जो भी उसके साथ थे उसने सबको आवाजें लगाई मुझे बचा लो मैं डूब रहा हूं, पर हालात इतने खराब थे किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पानी में घुसने की, इतना भयंकर रूप ले लिया था सागर में। सबको पुकारा उसने, अब सर पर पानी आया तो उसने हाथ ऊपर करके हेल्प मांगी कि कोई तो बचा लो मुझे। अब सागर का खारा पानी उसके अंदर घुसने लगा, अब उसे लगा कि अब, और जब कोई नहीं होता तब कौन होता है, जिसका कोई नहीं यारो उसका जो सबसे पहले याद आना चाहिए था वो सबसे बाद में याद आया। जब उसे कोई चारा नहीं नजर आया तब उसे भगवान नजर आया, बाबा याद आया। आप सोचो कि मृत्यु दो कदम दूरी पर है, उस समय मैं भगवान को कितने विश्वास से बुलाऊंगी, कितने दिल से पुकारूंगी उसको, समझिए उस कंडीशन को। इतने ही विश्वास से, इतने ही दिल से उसने बाबा को पुकारा, हे मेरे परम सद्गुरु, मेरे साथी, मेरे खुदा दोस्त, मेरे परम रक्षक, तू मेरी रक्षा कर। फिर वो बेहोश हो गया। फास्ट बोट होती है तट पर, कुछ तैराकू भी होते हैं, वो तेजी से अपनी बोट लेकर के गए, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में उसको बाहर निकाला, आधा मर चुका था जैसे। बाहर निकाल के प्राइमरी स्टेज पे जो पंप वंप करके पानी निकालते हैं वो निकाले, एम्बुलेंस आ गई, फटाफट उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, आईसीयू में एडमिट है। 3 दिन हो गए होश नहीं आ रहा उसको,
चौथे दिन होश आया। और जब होश आया तो वो सब लोग वही खड़े थे जो उसके साथ गए थे सागर पर। उसने किसी की तरफ नहीं देखा, मुंह फेर लिया, आंख से आंसू आने लगे और उसने कहा कि मेरा तो वही है जो डूबते को बचा ले। बस आज मेरी समझ में आ गया मेरा कौन है और मेरा वही है जो मुझे गहरे सागर से भी निकाल के ले आया। क्योंकि लास्ट पुकार उसने सुनी, बाकी सुनकर भी सब अपनी बड़ी थी, अपनी बड़ी थी, नंगा डूब जाए थे मेरे, लेकिन हेल्प नहीं दे पाए। तो अपने दिल में थोड़ी सी जगह बाबा को दीजिए, इनके लिए जो मेरे हैं आप इतना करते कीजिए, कोई मना नहीं। बाबा कहते जो आपकी रचना है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाखूबी निभाओ, अच्छे से अच्छी निभाओ, इतना नहीं इतना कीजिए, करते भी हैं ना, दिन देखते ना रात, ना पाप ना पुण्य, ना तेरा ना मेरा ना पराया, करते रहते कीजिए। लेकिन इतना सा किसके लिए बनता है, इतना सा उनके लिए, पर इतना सा भगवान के लिए मस्त 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 कंपल्सरी। अगर हम 24 घंटे उनके लिए दे सकते हैं तो 45 मिनट, एक मिनट, एक घंटा भगवान के लिए नहीं देना चाहिए कि नहीं? क्योंकि साथ यही आएगा, काम यही आएगा। जब सब साथ छोड़ देंगे, पता नहीं कब कहां कौन किस मोड़ पर हाथ साथ छोड़कर चल दे, कोई श्योरिटी नहीं। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब उसका सहारा कम आता है। इसीलिए अपने दिल में जगह दीजिए बाबा को, प्रीत कीजिए उससे। और इतिहास गवाह है कि हर प्रीत की रीत भगवान निभाते हैं, बहुत अच्छे से निभाते हैं। और जब वो निभाते हैं ना तब इतिहास बनते हैं, तब चमत्कार बनते हैं। तो अपने दिल में प्रीत पैदा कीजिए, सच्ची प्रीत, ठीक है ना। तो सौंप दिया सारा भार, टेंशन सौंप दो, मत रो यहां पे कुछ नहीं। वो सारी दुनिया का जो बोझ उठाने वाला है आपके मन के बोझों को भी सौंपो उसको। एक भाई जो बहुत ही यज्ञ में स्नेही था, बहुत सेवा के, और ऐसे टाइम में कि जब यज्ञ बेगरी से गुजर रहा था, आप सोच रहे होती आवश्यकता पे मदद करना, अब मुझे बहुत प्यास लग रही है, प्यास के कारण मेरे प्राण सूख रहे हैं, और ऐसे टाइम में मुझे कोई दो घूंट पानी पिला दे तो उम्र भर के लिए मैं उसी क्या हो जाऊंगी। और अभी मुझे बिल्कुल प्यास नहीं, आप मेरे सामने 6 प्रकार के जूस भी रख दो तो मुझे उसकी कोई कीमत नहीं। तो उस भाई ने जब बेगरी लाइफ से यज्ञ गुजर रहा था उस टाइम पे मदद की, जब आवश्यकता थी, बहुत आवश्यकता थी। लेकिन पता नहीं कुछ पूर्व के ऐसे पाप के प्रभाव उसके सामने आए, चलते चलते मुसीबतों में परिस्थितियों में फंस गया वो भाई, और इतनी बुरी तरह फंस गया कि उसे कोई रास्ता ही नहीं मिला बाहर निकलने का। उसकी कंडीशन ये थी कि बस लास्ट है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, ये सोच लिया। पर फिर भी कोई पुण्य उदय हुआ, सही समय में सही विचार आया, काफी समय से यज्ञ से वो हटा हुआ था, माउंट आबू तो 4-5 साल से नहीं आया था। उसके बाद एक विचार आया कि एक बार में दादी प्रकाश मुनि जी से मिल जा करके, ये उसका कोई पुण्य था जो ऐसा विचार उसके मन में आया, और वो दादी प्रकाश मुनि से मिला जा करके। दादी प्रकाश मुनि को सारी प्रॉब्लम बताई, दादी जी अच्छी तरह जानती थी भाई ने कितनी मदद की बाबा की। उसने कहा भाई तुम घबराओ नहीं, चिंता नहीं करो,